हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। चकवाल के करीब तलागंग में अलमनाक हादसा, कोहाट से लाहौर जाने वाली बस मोर काटते हुए खाई में जा गिरी, 24 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। एक नाम और एक निशान को लेकर अपनी मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली भी वज़ा करें। बन गया प्लेटफॉर्म, मिलकर होगा काम, वोट बैंक की तकसीम रोकने के लिए मुतहदा और पीएसपी का इत्तेहाद, इंतखाबात में एक निशान से शिरकत का फैसला, नाम एमक्यूएम नहीं होगा, मुस्तफा कमाल का ऐलान, कोई जमात खत्म नहीं हुई, फारूक सत्तार का जवाब। वादे करता चलूं, जब ये जद्दोजहद करेंगे किसी भी ऐसी आइडेंटिटी के साथ करेंगे जो कि कम से कम एमक्यूएम नहीं होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम है, एमक्यूएम पाकिस्तान खत्म नहीं हो रही, पीएसपी खत्म नहीं हो रही, ये इलाके हमारे सियासी इत्तेहाद है। जो लापता कारकुनान है, मुझे यकीन है कि उनकी बाजियाबी का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। है पाकिस्तान के अरबाब अख्तियार लोगों, 300 माओ के बच्चे लापता हैं, खुदा के वास्ते उन माओ के बच्चों को उनके हवाले कर दो। मुतहदा और पीएसपी लापता अफराद की बाजियाबी और असीरों के रिहाई के लिए हम आवाज, एमक्यूएम हकीकी और दीगर जमातों को भी इत्तेहाद की दावत। सिंध के बडेरों का सियासी मैदान में शहरी इलाकों पर कब्जा खत्म करने का आज़्म, मुस्तफा कमाल ने दिल बड़ा कर लिया। मुस्तफा कमाल की और मुस्तफा कमाल के साथियों की किसी बात से फारूक भाई की, फारूक भाई के साथियों की दिल आजारी हुई है, मैं फारूक भाई से और उनके साथियों से माजरत ख्वाह हूं अगर उनकी दिल की आजारी हुई है। मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है और दूसरे शेर में फिर काम होता है भारी, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। तो ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार का शेर के जरिए इजहार ख्याल, कराची प्रेस क्लब में दिलचस्प सूरत हाल, मुस्तफा कमाल के जनाब कहने पर मुतहदा रहनुमा का लुकमा। जनाब फारूक सत्तार साहब, भाई भाई, और फारूक भाई कह रहे हैं कि इनको भाई कहा जाए, तो जनाब फारूक सत्तार साहब और फारूक भाई हमारे यहाँ सब चलता है। और फारूक भाई थोड़ा सा चेंज कर दिया डेढ़ साल में, मुझे वो भाई थोड़ा बदनाम हो गया ना इसलिए। हम उसी भाई की खोई हुई अजमत को बहाल कराएंगे इंशाल्लाह। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल, फारूक सत्तार ने गले लगा लिया, परवेज मुशर्रफ ने लड्डू के टोकरे भिजवा दिए, आवाम भी खुश। हम वो सियासत करेंगे जिसमें कौम और सिंध के शहरी हकूक के लिए भलाई हो, वो सियासत करेंगे और हमें यकीन है फारूक सत्तार भाई की क़यादत पे मुकम्मल यकीन है, उनकी बात पे पूरा यकीन है, उनके फैसले पूरा यकीन है कि वो हमें सही मंजिल पे लेके जाएंगे। बेहतर फैसला किया है इस कौम के लिए और इस शहर के लिए, अच्छा फैसला है, हमें खुशी है इस पे। मुतहदा पीएसपी इत्तेहाद, अली रजा आबदी ने पार्टी और कौमी असेंबली की रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर दिया, आमिर खान मामले से ला ताल्लुक, शब्बीर कायम खानी और किश्वर जहरा का मुशावरती इजलास से वॉकआउट। मुतहदा और पीएसपी का इत्तेहाद, परवेज मुशर्रफ भी खुश, एमक्यूएम नहीं महाजरों से हमदर्दी है, अंदरून सिंध भी ताकतों को एक होना चाहिए, साबिक सदर का रद्द अमल। कराची की बदलती सियासत में मुफाहमत का बादशाह इन एक्शन, सलमान मुजाहिद और डॉक्टर फौजी समेत 3 अरकान असेंबली और 1 सेनेटर की आसिफ जरदारी से मुलाकातें, कई रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। नजरसानी दरखास्त के तफसीली फैसले में लिखे अल्फाज मुस्तरद,
بغض، غصہ اور اشتعال کی افسوسناک مثال قرار۔ قافلے راہزنوں کے ہاتھ پر بیعت کی وجہ سے لٹے، نون لیگ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ عدالتی فیصلے کو ججز کا بغض قرار دینے سے جمہوریت دشمن ایجنڈا بے نقاب ہو گیا۔ مخالفانہ بیان اور ملاقات کے لیے پیغام کی ڈبل گیم جاری ہے۔ آصف زرداری کا چارج شیٹ جاری کرنے کا اعلان۔ تینوں ریفرنسز یکجا کرنے کی درخواست مسترد، الگ الگ فرد جرم عائد، مستقل نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت۔ سابق وزیر اعظم کا صحت جرم سے انکار، 15 نومبر کو نیب کے گواہان طلب۔ حلقہ بندیوں پر ڈیڈ لاک، پارلیمانی رہنماؤں کا چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ کچھ رہنما معاملہ مشترکہ مفادات کونسل لے جانے اور کچھ پارلیمنٹ سے فیصلے کے حامی، اتفاق رائے نہیں ہو سکا، سپیکر کی تصدیق۔ وزیر اعظم کو افغان صدر کا فون، پاکستانی سفارتکار کے قتل پر اظہار افسوس۔ ملوث قوتوں کو بے نقاب کر کے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، شاہد خاقان عباسی کی گفتگو۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں فیس بک سروس کچھ دیر معطل رہنے کے بعد بحال، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے خالد بن ولید روڈ پر گارڈز اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ، شہریوں کا ایک اور ملزم پر تشدد، دوسرا فرار۔ پنجاب کی 56 کمپنیز میں 80 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، آمدن اور منافع کی رقم چھپائی گئی، عدالت تمام ریکارڈ طلب کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش، ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔